गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. थॉट ऑफ द डे, वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे. आई रिपीट अगेन, वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे. मीन्स सुबह हम लोग अगर एक सकारात्मक सोच लेके उठते हैं तो हमारा पूरा दिन एक बहुत ही अच्छे से बीतता है. मीन्स हमेशा जब भी मॉर्निंग में उठें तो एक अच्छी सोच से उठें कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा होगा, आज हम पूरे दिन मेहनत करेंगे तो पूरा दिन आप लोगों का बहुत ही अच्छा बीतेगा. और आप लोग जो सोचते हैं मॉर्निंग में वो पूरा दिन आप लोग करेंगे. ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस, डैट, दिस, दोस. चैप्टर 11. दिस मीन्स यह, डैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे. इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. रीड दिस सेंटेंसेस. दिस लिटिल पपी गोज टू द मार्केट. दिस लिटिल पपी गोज टू द मार्केट. That little puppy stays at home. These little puppies are playing with the ball. Those little puppies are sitting in the sun. Look at this picture. Be careful. इधर यहाँ पे one dog है. One dog and वन देन मोर. यहाँ पे भी एक से ज़्यादा है. मीन्स जो चीज़ें हमारे पास में होती है और वो वन होती है तो वहाँ पे हम लोग दिस यूज़ करते हैं. जो चीज़ें हमारे पास हमसे दूर होती है और वन होती है वहाँ पे डैट यूज़ करते हैं. बहुत सारी होती हैं जो चीज़ें हमारे पास में होती है तो वहाँ पे दिस यूज़ करते हैं. और जो चीज़ें हमसे बहुत दूर होती हैं, बहुत सारी होती हैं, एक से ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम सब क्या यूज़ करते हैं? दोज यूज़ करते हैं. ये आपने प्रीवियस क्लास UKG में पढ़ा भी होगा, आप लोगों को कराया भी गया था, विथ प्रैक्टिकल आप लोगों का हुआ था, आप लोगों को लर्न भी होगा. दिस मीन्स यह, डैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, एंड दोस मीन्स वे. दिस लिटिल पपी गोज टू द मार्केट. यह छोटा पपी कहाँ जा रहा है? मार्केट, बाजार जा रहा है. डैट लिटिल पपी स्टेज एट होम. अब ये छोटा पपी कहाँ है? घर पर है. दिस लिटिल पपीज आर प्लेइंग विथ अ बॉल. ये सारे जो है क्या कर रहे हैं? ये सब खेल रहे हैं. कौन? पपीज. दीज का यूज़ जहाँ पे भी होता है उसमें टू चेंजेस आते हैं. एक तो दीज के साथ हमेशा आर यूज़ होता है और जो सब्जेक्ट होता है उसमें वो प्यूरल में होता है, एक से ज़्यादा होता है. देखिए यहाँ पे वाई था, इसका प्यूरल क्या बना? IES. मीन्स उसके चेंज हो गया सब्जेक्ट में. ऐसे दोज लिटिल पपीज आर सिटिंग इन द सन. यहाँ पे भी वे सब जो है सूर्य की रोशनी में बैठे हुए हैं सारे पपीज. मीन्स जो कुत्ते के बच्चे होते हैं तो यहाँ पे भी देखिए ये भी चेंज हुआ है. वाई का क्या बन गया? IES. एक पपी रहेगा तो स्पेलिंग क्या होगी? PUPPY. और प्यूरल बनेगा तो PUPPIES. वाई की जगह IES. मीन्स यहाँ पे वन, यहाँ पे एक से ज़्यादा. डैट्स क्लियर. वी यूज दिस फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग डैट इज नियर अस. कोई भी चीज़ हो, चाहे वो व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, थिंग मीन्स वस्तु. वस्तु मीन्स कोई भी पेन, कॉपी, पेंसिल, कुछ कुछ भी हो सकता है. जो चीज़ें
एक हो और हमारे पास में हो, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं या हम उसको हमारे बहुत पास हो, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? दिस यूज़ होता है। दिस मीन्स या, जैसे कि दिस इज़ ए पेंसिल, या पेंसिल है। दिस इज़ ए बुक, हम इसको टच कर सकते हैं। दिस इज़ ए बुक, यह किताब है। वी यूज़ दिस टू सो वन एंड दिस सो मैनी। दिस मीन्स यह होता है जो शो करता है कि एक है, और दिस क्या शो करता है कि बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा हैं। जैसे कि दिस इज़ ए बुक, यह किताब है, और यहाँ पे ये एक और आ गई, यहाँ पे ये एक और आ गई, तो दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। मीन्स टच भी हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास में भी है और एक से ज़्यादा भी है। तो ये बहुत, दिस किसको शो करता है? बहुत सारी चीज़ों को शो करता है, और दिस ओनली वन को यूज शो करता है। एग्जाम्पल्स, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दीज आर माई बुक्स, यह मेरी किताबें हैं। देखिए इस पिक्चर में बच्चा एक बुक लेके खड़ा है तो बोल रहा है दिस इज़ माई बुक, और यहाँ पे पूरे गत्ते में लेके खड़ा हुआ है, बहुत सारी बुक्स हैं, तो दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दिस के साथ हमेशा जो मेन वर्ब होती है वो इस होता है, और दिस के साथ आर होता है। आप लोग को अगर दिस और दिस 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 नहीं दिया है तो आप लोग इससे भी पता लग कर सकते हैं कि हाँ क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ होना है। वी यूज़ डैट फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। डैट इज़ फॉर फ्रॉम अस, फॉर मीन्स दूर, नियर मीन्स पास, नियर मीन्स पास में, एंड फार मीन्स दूर, मीन्स जो चीज़ कोई व्यक्ति, स्थान या कोई वस्तु हमसे दूर हो लेकिन वन हो। हा पर्सन लिखा है ना, एक हो, तो वहाँ पे डैट यूज़ करते हैं। डैट मीन्स वह, जैसे कि यहाँ पे इरेजर, हम इसको टच नहीं कर, दूर है, तो डैट इज़ इरेजर, डैट इज़ पेंसिल, और इसको हमने हाथ में ले लिया तो दिस इज़ पेंसिल। वी यूज़ डैट टू सो वन, डैट किसे शो करता है? वन, वन थिंग को शो करता है। एंड दोज शो टू से, शो टू मैनी, मीन्स दोज जो है एक से ज़्यादा, मैनी मीन्स बहुत, बहुत एक से ज़्यादा चीज़ों को शो करता है दोज। और यहाँ पर भी एग्जाम्पल, डैट इज़ माई कार, यह वह मेरी कार है। देखिए इससे बहुत दूर है ये, तो वह डैट इज़ माई कार, दोज आर माई टॉयस। अब यहाँ पे ये गर्ल है, यहाँ पे बहुत सारे टॉयस हैं, तो ये गर्ल क्या बोले? दोज आर माई टॉयस, मीन्स वह मेरे खिलौने हैं। यहाँ पे भी डैट के साथ इज़ यूज़ होता है, दोज के साथ आर यूज़ होता है। बस डिफरेंस क्या है दिस डैट दोज दिस में, कि जो दूर अगर है हमसे तो डैट और दोज यूज़ होना है, वन है तो दिस डैट यूज़ होगा, और दूर है तो दोस, और पास में है तो दिस। ओके, ग्रामर बाइट, दिस डैट दिस एंड दोस आर समटाइम्स यूज्ड विथ नेमिंग वर्ड्स व्हेन वी वांट टू शो समथिंग नियर और फार अवे फ्रॉम अस। दिस वायलिन इज माइन, यह मेरी वायलिन है। Those clothes are my sisters, वे ये कपड़े क्या हैं? मेरी बहन के हैं। मीन्स कभी कभी ये भी शो करता है कि जो चीज़ें हमसे पास में होती हैं उसके दूर के लिए भी नाम की जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दिस है, दोज हैं, जैसे यह मेरी बहन के कपड़े हैं। इज माई हाउस, आंसर इज यस, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। Is a restaurant, that is a restaurant, this is a restaurant, कि देखिए यहाँ से बहुत दूर है तो that is a restaurant। Is my book, this is my book,
यह मेरी किताब है. एंड डैट इज माई फ्रेंड्स बैग, यह मेरे फ्रेंड का बैग है. यह है कि वह है, वह है क्योंकि इससे बहुत दूर है. तो क्या बोलेंगे, डैट इज़ माई बैग्स फ्रेंड्स बैग, वह मेरे फ्रेंड का, मेरे दोस्त का बैग है. कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ दिस, डैट, दिस और दोस. अब सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है दिस, दिस, दोस और इसका यूज करके करते हुए. ये एक्सरसाइज में सॉल्व करा दे रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को वर्कशीट सेंड करूँगी, तो आप लोग को वो कॉपी में कंप्लीट करना और ये बुक भी कंप्लीट करनी है. ओके, लुक एट दिस पिक्चर, आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है. चिल्ड्रेन आर ईटिंग आइसक्रीम, चिल्ड्रेन आर ईटिंग आइसक्रीम्स, बच्चे जो है आइसक्रीम खा रहे हैं. लेकिन अब आपको ये बताना है यहाँ पे दिस यूज़ होगा कि डैड. तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे पास में है, तब आंसर इज दिस, दिस चिल्ड्रन आर ईटिंग आइसक्रीम्स, ये बच्चे आइसक्रीम्स खा रहे हैं. देखिए दिस है तो यहाँ पे आर यूज़ हुआ है. पपी इज प्लेइंग, कुत्ते का बच्चा खेल रहा है, ये भी पास में है, तो यहाँ पे दिस और डैट, दिस, दिस पपी इज प्लेइंग, कुत्ता का बच्चा जो है वो खेल रहा है. शर्ट्स आर टू स्मॉल फॉर मी, देखिए यहाँ पे शर्ट्स जो है जितनी भी हैं बहुत दूर है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, दोस, दोस. Shirts are too small for me. Soap sells toys. Answer is dad. Dad soap sells toys. We like kites. हमें जो है पतंग पसंद है. पतंग देखिए बहुत दूर है क्योंकि फ्लाइंग कर रही है. आंसर इज दोस, टी एच ओ एस ई, दोस. वी लाइक दोस काइट. इज माई बाइसाइकिल, दिस इज माई बाइसाइकिल, यह मेरी साइकिल है. मीना वांट्स बुक्स, मीना को बुक्स चाहिए. यहाँ पे बुक्स जो है बहुत दूर हैं, तो आंसर इज दोस, मीना वांट्स दोस बुक्स. इज एन एरोप्लेन, डैट इज एन एरोप्लेन, वह एक क्या है, हेली एरोप्लेन है, हवाई जहाज है. टेस्ट टू, ये आपका टेस्ट पेपर ही है, आपको खुद सॉल्व करने हैं, इट्स योर होमवर्क. अंडरलाइन द डिस्क्राइब वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस, इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको डिफ करना है. तो आई हैव अ प्रिटी डॉल, प्रिटी, ब्यूटीफुल, ऐसे आपको सॉल्व करना है. आई, यू, ही, सी, इट और दे, एक एक में एग्जाम्पल बता दे रही हूँ. राज हैज़ अ पेट डॉग, राज लव्स हिज डॉग, राज हैज़ अ पेट डॉग, राज के पास एक पालतू कुत्ता है और राज लव्स डॉग. यहाँ पे क्या होगा, ही लव्स डॉग. राज क्या है, एक बॉय है, और बॉय के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, ही यूज़ कर सकते हैं. ऐसे आपको ये भी कंप्लीट करना है. नेक्स्ट है एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और दे. ए का ए मीन्स, ए एन मीन्स एक होता है, और ए का यूज़ हम लोग कॉन्सोनेंट के लिए करते हैं, एन का यूज़ वॉवल के लिए, और द का यूज़ जो चीज़ें यूनिक होती हैं, एक होती हैं. मीन्स वी सा एलिफेंट एट जू, वी सा, ई क्या है यहाँ पे, वॉवल कॉन्सनेंट, कॉन्सनेंट है कि वॉवल है, वॉवल, यहाँ पे एन
एट द जू. ओके, लुक एट द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस डैट दीज आर दोज. अब पिक्चर को देखते हैं, यहाँ पे दिस डैट यूज़ करना है. दिस इज़ ए पार्क एंड डैट इज़ आवर स्कूल. यहाँ से स्कूल, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, अब यहाँ से देखना है. जो चीज़ें आपको दूर दिख रही है वहाँ पे डैट दोस, और जो चीज़ें पास में है वहाँ पे दिस और दीज यूज़ करना है. तो डैट डैट इज़ आवर स्कूल, वह मेरा क्या है, वह हमारा विद्यालय है. तो ये आप लोग पूरा कंप्लीट करेंगे. ओके, ये वर्कशीट है, आपको ये कॉपी में कंप्लीट करनी है. मैं इसकी पिक सेंड कर दूंगी. फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस डैट दिस और दोस. रिमेंबर डैट द हैंड इज़ पॉइंटिंग टू थिंग्स डैट आर फॉर अवे. अब यहाँ पे हैंड जो है, आप लोग जो डिनोट किया गया है, अब हैंड को देख के आपको बताना है कि कुछ पास में है कि दूर में है, ये कंप्लीट करना है. ओके, एक एक्सरसाइज आपकी ये हो जाएगी और एक आपकी ये हो जाएगी. मींस इस एक्सरसाइज में क्या करना है, दिस डैट दिस होस. अब जहाँ पे जो सिंगल है डॉग मीन्स कुत्ता, अगर यहाँ पे ऐसा लगा हो तो डॉग्स मीन्स कुत्ते हो जाता, तो यहाँ पे बस यही यूज़ करना है, दोस और दिस का यूज़. मीन्स रोजेस मीन्स एक से ज़्यादा गुलाब है, तो यहाँ पे दीज यूज़ करना है. तो ये आपको यहाँ पे इस एक्सरसाइज दिस दीज का यूज़ करना है और इसमें फिगर को देखते हुए ये यूज़ करना है. तो ये आपका पूरा होमवर्क रहेगा और आपको कॉपी में कंप्लीट करना है.